आपका मेरी YouTube चैनल आपका है गुरु में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि जिनके जरिए आप अपने शारीरिक दुर्बलता को खत्म कर सकते हो। कोई भी बीमारी के बाद अगर आपका शरीर दुर्बल बन गया है, आपके शरीर में वीकनेस लगने लगी है, तो यहाँ पर जो आपको मैं आसान तरीका बताने वाला हूँ जिनके जरिए आप अपने शरीर को फिर से सुबल बना सकते हो, फिर से हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और यह तरीका इतना आसान है कि आप इनको आराम से सीख सकते हो और घर पर ही इनको आजमा सकते हो। इनके लिए आपको कोई भी खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है और यह तरीके के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो अपने शरीर की दुर्बलता को खत्म करके फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने का यह तरीका है मुद्रा थेरापी। यहाँ आपको मैं ऐसी दो मुद्राएं बताने वाला हूँ कि जिनके नियमित प्रयोग से आप अपने शरीर की दुर्बलता को खत्म कर सकते हो। तो यह दो मुद्रा है प्राण मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा। यह दो मुद्रा के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन वाला वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अवेलेबल है, तो अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो यह दोनों वीडियो को पहले जरूर देख लीजिएगा। तो फिर जानते हैं यह दो मुद्रा बनाने का तरीका। पृथ्वी मुद्रा बनाने के लिए आपको अपने रिंग फिंगर की टिप को थंब के टिप के साथ जोड़ देना है और बाकी के तीनों फिंगर को सीधा ही रखना है। तो यह हो गई पृथ्वी मुद्रा। प्राण मुद्रा बनाने के लिए आपको अपने रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर की टिप को थंब के टिप के साथ जोड़ देना है और बाकी की दो फिंगर को सीधा ही रखना है। तो यह हो गई प्राण मुद्रा। अभी जानते हैं यह दो मुद्रा आपको किस तरीके से करना है ताकि आपको ज्यादा फायदा मिल सके। यहाँ पर यह दोनों मुद्रा को आपको दोनों हाथ से करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप राइट हाथ से मुद्रा करोगे तो आपके शरीर के लेफ्ट पार्ट में फायदा होगा, और अगर आप लेफ्ट हाथ से मुद्रा करोगे तो आपके शरीर के राइट पार्ट में फायदा होगा। तो पूरे शरीर में फायदा लेने के लिए आपको यह दोनों मुद्रा को दोनों हाथ से करनी जरूरी है। यह दोनों मुद्रा का टाइम ड्यूरेशन आपको शुरुआत में 15-15 मिनट के लिए रखना है, फिर धीरे धीरे इनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाना है। यानी कि पहले आपको पृथ्वी मुद्रा 15 मिनट के लिए करना है और उनके बाद तुरंत ही आपको प्राण मुद्रा 15 मिनट के लिए कर लेनी है। अगर यह दोनों मुद्रा का अभ्यास आप सुबह के टाइम प्राणायाम या तो ध्यान के साथ करोगे तो आपको बहुत ही जल्दी और अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। पर अगर आपको सुबह में टाइम नहीं मिल रहा है तो आप दिन में कोई भी समय पर कर सकते हो। यह मुद्रा का अभ्यास आप कोई भी पोजिशन में बैठ के कर सकते हो, पर अगर आप वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन जैसे आसन में बैठ के करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आप ले सकते हो। पर अगर आपको यह आसन में बैठना पॉसिबल नहीं है तो आप कुर्सी पर बैठ के भी आराम से यह मुद्रा का अभ्यास कर सकते हो। तो यह हो गया आसान सा तरीका अपने शारीरिक दुर्बलता को खत्म करने का। तो आशा रखता हूँ कि आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को फायदा मिल पाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा।